नमस्कार, आज हमारे साथ हैं दो विशेषज्ञ एडवाइजरी हैं, खासकर वित्त पर बात करेंगे और हम म्यूचुअल फंड पर बात करेंगे। हमारे साथ सत्येंद्र कुमार हैं और संजीव गर्ग जी हैं, आप लोगों का स्वागत है। हम जानना चाहेंगे सत्येंद्र जी कि म्यूचुअल फंड होता क्या है। म्यूचुअल फंड एक पूल ऑफ मनी है जिसमें इन बहुत सारे निवेशकों का पैसा एक जगह पे इकट्ठा किया जाता है जी। और म्यूचुअल फंड में एक फंड मैनेजर होते हैं जी। कंपनी के फंड मैनेजर अपने अनुभव के हिसाब से अलग अलग सेक्टर में पैसे को बांट करके और हर सेक्टर में 4 से 5 कंपनी लेते हैं, तो निवेशकों का पैसा ऑन एन एवरेज 50 से 60 कंपनियों में लग जाता है। तो इससे निवेशकों का रिस्क भी कम रहता है और पूल में बड़े पैसे होने की वजह से फंड मैनेजर उसको अच्छे से मैनेज कर पाते हैं। खासकर संजीव गर्ग जी हमारे साथ हैं, सेंसेक्स काफ़ी ऊंचा चल रहा है, ऐसे में बहुत लोग म्यूचुअल फंड की ओर भी आ रहे हैं, क्या कहेंगे? बिल्कुल ठीक कह रहे हो, सेंसेक्स ऊंचा चल रहा है, अभी लोगों को कंफ्यूजन रहता है जी। बिल्कुल भाई, इतना तेज हो गया, अब आगे क्या होगा, बिल्कुल कहीं रुक ना जाए। हाँ, तो अब उसी के लिए म्यूचुअल फंड बहुत अच्छी चीज़ है जी। क्योंकि वहाँ पर आप एक चीज़ माने कि जैसे अभी सत्येंद्र जी ने कहा कि वहाँ विशेषज्ञ हैं, उनको पता है कि बाजार में कहाँ है, क्या स्थिति है, सेंसेक्स अभी ये पहुँच गया तो क्या यही इसकी ऊंचाई है या और ऊपर भी जा सकता जाएगा जी। अभी ये भी कहना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन जिस तरीके से हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था चल रही है, जिस तरीके से बाहर के लोगों में हिंदुस्तान के प्रति जो एक इन्वेस्टमेंट का माहौल बन रहा है, तो हमें ये नहीं पता अभी बाजार और आगे कहाँ तक जाएगा जी। हमारा ये अनुमान है कि अभी काफ़ी टाइम से, क्योंकि बाजार नहीं चला था, 2-3 साल जरूर अच्छा रिटर्न इसने इन्वेस्टर को दिया है, लेकिन अभी उम्मीद है कि बाजार अभी भी महंगा नहीं है। अभी भी यहाँ पर अगर लोग म्यूचुअल फंड में के थ्रू पैसा लगाएंगे तो मेरा मानना है कि वो और किसी भी इन्वेस्टमेंट से अच्छी रिटर्न, बेहतर कमाई कर पाएंगे और बेहतर निवेश कर पाएंगे। ऐसे में जब खासकर शेयर मार्केट का भी पिछले 10 सालों में बहुत नीचे ऊपर नीचे हुआ, तो म्यूचुअल फंड में भी लोग काफ़ी आए होंगे। बिल्कुल, अब लगातार आप देख रहे हो जिस तरीके से सरकार और सेबी और हमारी एसोसिएशन है वो सब लगे हुए हैं इन्वेस्टर को जागरूक करने में और उनको एक बेहतर विकल्प देने के लिए। क्योंकि जैसे आपको पता है पहले सिर्फ आदमी के पास 2-3 विकल्प रहते थे जी, उसके अंदर म्यूचुअल फंड का एक नया विकल्प लोगों के लिए आया है। क्योंकि बाकी सब जगह वो पैसा लगाते हैं, चाहे FD हो या प्रॉपर्टी में लगाते थे। प्रॉपर्टी का हाल सभी के पता है, आज के दिन म्यूचुअल फंड के अलावा उनके पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं बचती है। तो हमारा ये मानना है कि जिन अगर आपने भी या आपके दर्शकों ने, जिन लोगों ने भी म्यूचुअल फंड को अभी तक अपना एक इन्वेस्टमेंट का विकल्प नहीं चुना है, वो इस बारे में बात करें, हमसे संपर्क करें, अपने आसपास जो भी वित्तीय विशेषज्ञ है उनसे बात करें और इस अपॉर्चुनिटी का भी फायदा लें। बिल्कुल सत्येंद्र जी, खासकर जब बहुत सारे आप म्यूचुअल फंड में लोग पैसे लगा रहे होंगे, कुछ ऐसे होंगे जहां आप कहें कि आप इस सेक्टर में पैसे लगाएं, मतलब म्यूचुअल फंड में कौन कौन सी कंपनियां हैं जिसमें लगाएं? देखिए, म्यूचुअल फंड का मतलब ये है कि आपका फंड डाइवर्सिफाइड होकर के पैसा बाजार में लग गया है। बिल्कुल, कंपनियों में आप देख सकते हैं जो टॉप लीडर कंपनी है, जो AUM एसेट अंडर मैनेजमेंट, जो सबसे ज़्यादा लोगों का पैसा मैनेज करते हैं, इसमें ICICI, HDFC, बिरला सन लाइफ, SBI, DSP, ब्लैक रॉक इत्यादि कंपनियां हैं जो निवेशकों को सही रिटर्न दे सके। और किसी भी सेक्टोरल फंड में निवेशक को नहीं जाना चाहिए, हमेशा अच्छा होता है जब वो डाइवर्सिफाइड फंड लें और उसमें 3 से 5 साल तक कम से कम होल्ड करें। निवेशक जितना ज़्यादा समय तक अपने इन्वेस्टमेंट को रोक के रखेंगे, जितना लंबे समय तक अपने फंड में बने रहेंगे, उतना ही उनका रिस्क कम होगा और रिटर्न के चांसेस उतना ही हायर साइड में। बिल्कुल, आप कह रहे हैं कि दीर्घा अवधि तक आप बने रहें तब आपको ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता है। बिल्कुल, आप हमेशा लंबी सोच के लिए रखें और कम से कम अपना इन्वेस्टमेंट 5 साल या उससे ऊपर रखें, तभी आपको म्यूचुअल फंड से अच्छे रिटर्न की उम्मीद हो सकती है। संजीव गर्ग जी, हम आपसे भी जानना चाहेंगे कौन सा म्यूचुअल फंड में हम लगाएं पैसे। ऐसा जी, म्यूचुअल फंड तो सारे बहुत बढ़िया है। बिल्कुल, म्यूचुअल फंड के चयन से ज्यादा इम्पोर्टेंट है आप कौन सी स्कीम में लगाना चाहते हैं। ओके, क्योंकि स्कीम अलग अलग होती है। जैसे आपको हम बताएं, बेसिक 2 क्राइटेरिया होते हैं, एक जहां पर आप फिक्स रिटर्न पा सकते हो, दूसरा जहां पर आप रिटर्न वेरिएबल मीन्स उतार चढ़ाव वाली। ऐसे म्यूचुअल फंड में दोनों ऑप्शन, और एक और मजे की बात है, इन दोनों का मिला जुला रूप ही होता है, जिसको हम लोग हाइब्रिड फंड बोलते हैं या बैलेंस फंड बोलते हैं। अब क्या होता है कि ये इन्वेस्टर को देखना है वो कितना रिस्क लेना चाहता है, क्योंकि ये आपको हमको बचपन से सिखाया है जितना रिस्क लोगे उतना रिवार्ड। तो रिवार्ड हाँ, लेकिन जैसे सत्येंद्र जी ने एक बात बोली, मैं उसके ऊपर आपका ध्यान चाहता हूँ कि लंबा टाइम,
अगर आप लंबे समय के लिए यहाँ पर पैसा लगाते हैं, लंबे समय मतलब 3 से 7 साल, 4-5 साल 6 साल कुछ भी हो सकता है, तो आपको यकीनन चाहे आप इक्विटी वाले म्यूचुअल फंड में लगाएं, चाहे आप डेट वाले म्यूचुअल फंड में लगाएं, आपको यकीनन बहुत अच्छी किसी भी और विकल्प से अच्छी रिटर्न आती है, बेहतर आपको रिटर्न मिलेगा। सत्यन जी, खासकर ऐसे समय में जब काफ़ी शेयर बाजार में उतार चढ़ाव आता है और कई तरह के मतलब आते हैं निवेशक, इन्वेस्टमेंट में पैसे जहां लगाते हैं डूब जाता है, ऐसे में एडवाइजरी का कितना महत्व है? बहुत ज़्यादा महत्व है। बाजार में कई तरह के स्कीम आते रहते हैं, बहुत सारी पोंजी स्कीम होते हैं जो सेबी से सर्टिफाइड भी नहीं होते हैं, तो निवेशकों को सलाह है कि वो सिर्फ और सिर्फ अपना पैसा म्यूचुअल फंड के थ्रू डालें। म्यूचुअल फंड एक सेबी से रजिस्टर्ड संस्था होती है, इनके एक ट्रस्टी होते हैं जो आपके पैसे को मैनेज करते हैं, और फंड मैनेजर जो बाजार के विशेषज्ञ हैं वो हर बाजार के उतार चढ़ाव के मतलब समझते हैं, कौन सी कंपनी ठीक कर रही है, आने वाले समय में कौन सी कंपनी ठीक नहीं करेगी, इन सारी परिस्थितियों का ध्यान रखते हैं। तो इसीलिए नए ग्राहक, नए निवेशक और पुराने सभी से अनुरोध है कि वो इधर उधर की बात अफवाहों पर ध्यान ना दें और सिर्फ म्यूचुअल फंड के थ्रू अपना पैसा लगाएं। बिल्कुल, हम संजीव गर्गी से भी जानना चाहेंगे, पोंजी कंपनी को जैसे इन्होंने चर्चा की, काफ़ी आई या बीच में काफ़ी लोगों का पैसा डूब गया, हाँ जी, ऐसे में क्या करें निवेशक? निवेशक को तो जैसे अभी सत्येंद्र जी ने भी कहा है कि लोगों को संभल के पूरी जानकारी, अभी क्या है वो किसी के थ्रू भी म्यूचुअल फंड में जाएं, विशेषज्ञ की राय जरूर लें, उसकी पूरी सलाह लें। उससे क्या होता है कि हर स्कीम की अपने प्लस या माइनस होते हैं। आपने कहा पैसा डूब सकता है, मैं आपका एक ध्यान इस ओर केंद्रित करना चाहता हूँ कि म्यूचुअल फंड में आपका पैसा कभी भी डूब नहीं सकता। ओके जी, क्योंकि जो पैसा है वो आपका है, हाँ कम या ज़्यादा बाजार की परिस्थिति के हिसाब से हो सकता है, लेकिन आपका पैसा डूब नहीं सकता, क्योंकि सेबी और म्यूचुअल फंड की एसोसिएशनों ने ये सारे ऐसे प्रबंध किए हुए हैं कि जो पैसा लगा है वो आपका ही है और वो आपके पैसे का सिर्फ देखभाल करते हैं। हाँ, कोई एक कंपनी डूब सकती है, आपका पैसा घट सकता है, लेकिन डूब नहीं सकता। जैसा कि आज दुनिया भर की जो पोंजी स्कीम जैसे बताया है कि जहाँ पे आपने पैसा दिया पता चला आदमी है ही नहीं, तो म्यूचुअल फंड में आपका पैसा सुरक्षित है, कम या ज़्यादा वो जरूर होगा, वो डिपेंड करता है आपने कौन सी ऑप्शन चुनी। बिल्कुल, नए निवेशकों को आप क्या सलाह देंगे? नए निवेशकों को ये कहेंगे आप इस बाजार का मजा लें, चाहे सिर्फ 1,000 रुपया महीना, सिर्फ 1,000 कोई ज़्यादा नहीं है, 1,000 रुपया एक आम आदमी कभी भी कैसे भी खर्च कर सकता है, वो सिर्फ 1,000 रुपये की एक सिप चालू करें। SIP आजकल आपने देखा होगा और हम शुक्रगुजार हैं सेबी से और सभी लोगों का कि जिन लोगों ने इन्वेस्टर को म्यूचुअल फंड के प्रति जागरूक किया है। आजकल आप देखते हैं एक बहुत अच्छी लाइन है, म्यूचुअल फंड सही है, इसका बहुत एडवर्टाइजमेंट हो रहा है। वाकई में ये म्यूचुअल फंड सही है, लेकिन आपके लिए सही है या नहीं है उसको खुद ही जांचें। आप अपना छोटा सा निवेश इसमें चालू करें, उसके बाद देखें आपका ग्रोथ कैसा होता है, आपका पैसा कैसे बढ़ता है। आपका कैसे पैसा बढ़ता है। सदन जी, खासकर इन्होंने चर्चा की, हम ये जानना चाहेंगे कि नए निवेशकों के लिए आप क्या सलाह देंगे? सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, म्यूचुअल फंड की एक संस्था है जो डिस्ट्रीब्यूटर के लिए है, उसका नाम एमडवा है जी। जो एमडवा है वो म्यूचुअल फंड की जो स्कीम है उसको वो ज़्यादा, उसके जो मेंबर हैं एमडवा के, जो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हैं, वो बहुत अच्छी तरह से स्कीम को समझते हैं। वो एक तरह के डॉक्टर हैं म्यूचुअल फंड के। जो बाजार में कई तरह के प्रोडक्ट हैं, हर कंपनी में ऑन एन एवरेज 50 से 100 फंड हैं, सारे फंड हर निवेशक के लिए अच्छा नहीं है। तो जो एमडवा के सदस्य हैं जो म्यूचुअल फंड बेचते हैं और वो सेबी से सर्टिफाइड होते हैं, क्वालिफाइड डॉक्टर हैं म्यूचुअल फंड बेचने के लिए, तो आप उनसे सलाह लें। जैसे वो सलाह देंगे उसके हिसाब से, किसी ग्राहक को इक्विटी फंड चाहिए, किसी ग्राहक को FMCG फंड चाहिए, किसी ग्राहक को सेक्टोरल फंड चाहिए, किसी को पावर सेक्टर का फंड चाहिए, किसी को डेट फंड चाहिए। डेट फंड में भी कई तरह के फंड होते हैं, मनी मार्केट फंड है, अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड है, बैलेंस फंड है। तो आप जब तक सही निवेशक के जो सलाह विशेषज्ञ हैं उनसे आप सलाह नहीं लेंगे तो ग्राहकों को नुकसान भी हो सकता है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद इन्वेस्टर एडवाइजरी संजीव गर्ग और सत्येन जी। आप बता रहे थे कि खासकर आप अगर दीर्घावधि में लाभ चाहते हैं तो म्यूचुअल फंड में आए, जहां आप सुरक्षित रहेंगे। कैमरा पर्सन सुभाष के साथ मानवेंद्र, नमस्कार।